न्यूज़, सच जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो ये देखते हैं आज कुछ खास खबरें। साथियों के साथ जी जाने की साली से दरिंदगी, मामला जानकर कांप उठे गिरोह। राजस्थान के चूरू से एक सामूहिक बलात्कार की चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी 16 वर्षीय नाबालिग साली से सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया कि अपराधी निरंतर 2 से 3 दिन तक उसके साथ हैवानियत करते रहे। इस घटना के पश्चात से पीड़िता सदमे में है एवं वह पुलिस से अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। पीड़िता ने बताया कि वह किसी तरह से अपराधियों के चुंगल से बचकर अपने घर पहुंची और मां को आपबीती बताई। फिर पीड़िता मां के साथ थाने पहुंची और अपराधियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जीजा सहित 5 व्यक्तियों के खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक टीम गठित कर अपराधियों की तलाश के लिए छापेमारी आरंभ की। पुलिस ने बताया कि महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने लिखा है कि 24 अप्रैल को उसका दामाद घर आया था तथा रात को अवसर दे उसके नाबालिग बेटी को अपने साथ चूरू ले गया। वहां पर लाला पुत्र लादुराम से मिला। इन दोनों ने बेटी को नशीला पदार्थ खिलाया तथा एक खेत में ले गए, जहां उसके साथ गैंगरेप किया। वहीं पीड़िता की मां ने बताया कि 26 अप्रैल को अपराधी दामाद नाबालिग बेटी को लेकर चौपड़ियों पुत्र कालू निवासी खाकड़ती इंडावल, सुनील पुत्र माधुराम निवासी मेड़ता सिटी, पकड़ो पुत्र तुकाराम निवासी इस्लामपुर झुंझुनू के पास ले गया, जहां उन्होंने बेटी को जान से मारने की धमकी देकर नशीला पदार्थ खिलाया तथा सामूहिक बलात्कार किया। उनके चुंगल से बेटी बड़ी मुश्किल से निकलकर आई तथा उसने सारे घटना के बारे में बताया। पुलिस का कहना है कि पीड़िता का मेडिकल करवा लिया गया, जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पढ़ाई को लेकर पति से हुआ विवाद, पत्नी ने उठा लिया ये खौफनाक कदम। यह खबर इंदौर से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक घटना सामने आई है। यहाँ एक शादीशुदा महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की खबर प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया एवं पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की तहकीकात आरंभ की। मृतका के घर वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि मृतका एवं उसके पति के बीच पढ़ाई के लिए फॉर्म भरने को लेकर विवाद हुआ था। तत्पश्चात दोनों ने बहुत कहा सुनी हुई। देर रात पति अलग कमरे में सोने चला गया एवं महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के घर वालों की शिकायत पर पुलिस एवं ससुर को गिरफ्त में ले लिया गया है। मृतका के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। शादीशुदा महिला की मौत के मामले को देखते हुए अंतिम संस्कार के पश्चात मृतका के पति और ससुर को गिरफ्त में ले लिया है। वही प्राप्त हुई खबर के अनुसार वर्ष 2017 में मृतका इंदु तिवारी की शादी इंदौर के रहने वाले गौरव से हुई थी। उनका एक 4 वर्षीय मासूम बच्चा भी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से तहकीकात की जा रही है, उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिंदूर दान के बाद अचानक हो गई इंजीनियर दूल्हे की मौत, खुशियों के बीच पसरा मातम। बिहार के भागलपुर से एक दुखद घटना सामने आ रही है। दुल्हन की मांग भरते हुए दूल्हे की मौत हो गई। दूल्हे को दिल का दौरा पड़ने की बात कही गई है। घटना के पश्चात से दूल्हे और दुल्हन का परिवार गम में है। वही पति की मौत की खबर सुनते ही दुल्हन बेहोश हो गई। कहा जा रहा है कि 2 मई को दूल्हे के सीने में दर्द भी उठा था। दरअसल झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम का रहने वाला विनीत का संबंध भागलपुर की रहने वाली आयुषी के साथ हुआ था। 3 मई 2023 को दोनों की शादी होना तय हुई थी। विनीत दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तथा आयुषी भी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती है। बुधवार यानी 3 मई को विनीत बारात लेकर शहर के शीतला स्थान चौक मिर्जान हाट स्थित मातेश्वरी विवाह भवन में पहुंचा था,
जयमाला फोटो सेशन समेत अन्य रस्में निभाई गई। बृहस्पतिवार यानी 4 मई की सुबह सिंदूर दान हुआ। विनीत बाथरूम गया हुआ था, जैसे ही वहां से आया तो उसे सीने में तेज दर्द हुआ तथा वह बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने विनीत को जगाने का बहुत प्रयास किया मगर वह नहीं उठा। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहिए MNS News Network। नमस्कार।